ये देखिए दोस्तों, हम अभी मिट्टी बना लिया है कैक्टस के लिए। वैसे तो हमारे घर का मिट्टी जो है थोड़ा बालू मिट्टी है, उतना सैन वैन डालने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है सब कुछ। तो इसमें जो बकरी का जो पोटी नहीं है छोटा छोटा वाला, ये देखिए, ये जो कंपोस्ट है इसको डाला है थोड़ा सा। गोबर खाद तो है नहीं, इसलिए पहले इसे मिक्स करके रखा हुआ है। आप लोग को अभी एक एक करके दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी आप लोग को दिखाते हैं कैसे निकालेंगे हम इसको। बाप रे, काटे तो है, एक बार में निकाले थे, इस टूट गए जहाँ से। ओए, पहले से मैं बालू दिया था इसमें। वाह, ये देखो नज़ारा, टेंटे ने तो क्या करेंगे अभी। ये मिट्टी तो थोड़ा बालू था पहले, इसमें बालू मिट्टी, इसको अलग अलग करके सेपरेट करेंगे। एक एक करके काटा लग रहा है हाथ में, अरे बाप रे, जगह नहीं है ना, छोटा छोटा हो जाएगा ये। ओए, ज्यादा नहीं तोड़ेंगे, इतना ही तोड़ेंगे। वाह, अच्छे से टूट गया ना गुड्डू। इसको यहाँ पे लगा देंगे मटर प्लांट को, बस हो गया। अभी थोड़ा हल्दी डाल देती हूँ इसमें। गुड्डू ने थोड़ा सा ही लाया है, हम चम्मच लाया ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा रिपोर्ट कर दिया है और झाड़ू मार के जितना भी सूखा मिट्टी निकला वो सब इसमें डाल दिया है। ये देखिए छोटा छोटा क्यूट क्यूट, अभी इधर ही रखेंगे क्योंकि इसमें किस हद से धूप लगता है, तो इधर ही साइड में रखेंगे। और भी ये छोटा छोटा मैं ऐसे प्रोपोगेशन किया हुआ है, दो तीन दिन पहले किया था, स्टार फिश वगैरह आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए इधर, ये सब उधर ही ले जाऊँगी अभी, ये सारा देखिए छोटा छोटा मैंने किया था। ये तो गुड्डू ने किया था, क्या बोलते इसको, स्पाइडर, स्टार पीस, ये सब सबसे मेरा फेवरेट है। ये देखो, ये सब दो तीन महीने बाद सब बड़ा हो जाएगा। मैं फिर वापस घर आऊँगी तब आप लोग को ये सब दिखाऊंगी नया करके, है ना, सुंदर सुंदर सा। ये देखिए अभी एक साथ देखने में कैसे लग रहा है, थोड़ा थोड़ा धूप भी निकल रही है अभी तो। ये देखिए कितना सुंदर, कितना मजे हो रखे हैं। ये देखिए स्टार फिश वगैरह, है ना सुंदर। अभी पता लगा कहाँ कहाँ धूप लगा है, जहाँ धूप लगेगा उधर ही छोड़ देंगे अभी। ये देखिए उजाला हो रखा है धीरे धीरे। वाओ, दिखाएंगे और 5 या 3 या फिर 2 महीने बाद अगर घर आना होगा तो।